आज की वीडियो में बात कर रहे हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में एडमिट कार्ड संबंधित न्यूज़ के बारे में कि एडमिट कार्ड कैसे निकलेगा, लॉगिन करने के बाद क्या करना है, आपको पूरी जानकारी देते हैं क्योंकि आज है 9 अगस्त 2023 और 10 अगस्त 2023 को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं बीपीएससी द्वारा साफ साफ कहा गया था कि 10 अगस्त 2023 को आपको एडमिट कार्ड जारी देखने को मिलेगा। और साथ ही बता दें कि आपको लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, बता दें फोटोग्राफ को आपको अपलोड करना है। लॉगिन करने के बाद फोटोग्राफ का जो साइज होना चाहिए 25 KB का होना चाहिए, अभी ये नहीं दिया है किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप फोटोग्राफ को JPG JPEG में ही आप बना कर रखिएगा, इसी में वो अपलोड वगैरह कराते हैं, ठीक है। तो डैशबोर्ड पर आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद आपको 25 KB का फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, उसके बाद जा करके ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसा कि इन्होंने बताया है। उस एडमिट कार्ड पे आपका क्या होगा, उस पे आपका सिटी सेंटर होगा कि आपका सेंटर किस सिटी में गया हुआ है, बिहार के 38 जिलों में किस जिलों में गया है आपका सेंटर, वो साफ साफ वहाँ लिखा होगा, साथ ही सेंटर कोड लिखा होगा। सेंटर कोड को कैसे डिकोड करें इसका वीडियो मैंने बना दिया इसी चैनल पे, आप देख लीजिएगा कि किस तारीख को जब सेंटर कोड आएगा उसे कैसे देखें, अपने एडमिट कार्ड से कैसे मैच करें। और एडमिट कार्ड 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच ही आपको डाउनलोड कर लेना है, हो सकता है 20 अगस्त के बाद ये मौका ना दें क्योंकि हो सकता है साइट ना चले, इसलिए ये लोग बोले हुए हैं साइट पर ओवरलोड को देखते हुए, या जो भी प्लान हो आगे भी पता नहीं है। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, 4 दिन पहले तक एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, यानी कि 24 तारीख को पहला पेपर है तो 20 तारीख को एडमिट कार्ड लास्ट डाउनलोड करने का डेट होगा। फिलहाल बाकी चीज़ें मैंने आपको बताया ही है, तो ये रहा एडमिट कार्ड संबंधी न्यूज़। बाकी जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तुरंत ही आपको चैनल के माध्यम से सूचना दिया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।